आगे देखो ध्यान से क्या कहता है, चेंज इंटू परसेंटेज, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो कैसे बदलोगे, बहुत ही ध्यान से देखो, प्यार से देखो क्या कहता है, इसको परसेंटेज में चेंजिंग कैसे करोगे, जैसे अभी तक आप सीखते आए हो कुछ वैसे ही करोगे। तो प्रतिशत में बदलने के लिए एक बात याद रखना, सिर्फ कान खोल के सुन लो, सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखना कि किसी भी संख्या को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है, इसका मतलब हमें उसके साथ प्रतिशत का चिन्ह लटकाना है। हाँ, मतलब जो कि पहले नहीं लगा है, तो उसके लिए हम हमेशा क्या करेंगे, 100 से मल्टीपल कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे, यही को याद रखना, बाकी सब भूल जाना, 100 से गुणा कर दो बस। जैसे 5 को अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो आप क्या करोगे, 5 × 100 करोगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा 500%। बिल्कुल घबराना नहीं, ये 500% कहाँ से आ गया, अब तक तो मैंने 100% तक ही सुना था, लेकिन ये 100 के ऊपर काहे जा रहा है। देखो मैं इसमें सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, 5 का मतलब है बच्चा लोग 5/1, 5/1 है ना, जो कि एक क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या विषम भिन्न या अनुचित भिन्न बोलें है। अगर इस तरह की कहीं भी भिन्न आती हैं जो इम्प्रॉपर होती हैं, या फिर इन्हें आप मिश्र फ्रैक्शन भी बोल सकते हो, क्योंकि भाग करोगे तो मिश्र फ्रैक्शन के रूप में आएगा, तो इनका परसेंटेज हमेशा 100 से ज़्यादा होगा, इस बात को याद रखना, इनका जो उत्तर आएगा वो क्या होगा, हमेशा 100 से ज़्यादा होगा, 100% से ज़्यादा होगा। लेकिन अगर यही बदल जाए, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा, तो उसका परसेंटेज 100 से नीचे आएगा, 99, 98 या कुछ भी जो भी आएगा समथिंग, ये बात समझ गए ना। जैसे इसी में मैं एक और भी आपको क्लियर कर देता हूँ, जब लगाऊँ तो देख लो, जैसे मैंने लिखा 1/2 है ना, इसको परसेंटेज में बदलना है, दिस इज आ प्रॉपर फ्रैक्शन, ये उचित भिन्न है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये बत्ती जल रही होगी कि ये उचित अनुचित भिन्न क्या है, इसको तो मैं जानता ही नहीं हूँ। तो बच्चा लोग, आप कक्षा 6 में अगर पढ़े होंगे तो आपको पढ़ाया गया था, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जिस भिन्न का अंश छोटा होता है हर बड़ा होता है, मतलब खोपड़ी छोटी होती है, और एक प्रकार से ऐसे मान लो, थोड़ा अड़बड़ लगेगा सुनने में, रहने तो नहीं बोलूँगा, यानी ये इतना ही समझ लो आप साधारण तरीके से, ऊपर वाली गिनती छोटी हो नीचे वाली बड़ी हो तो उचित भिन्न होती है। क्या होती है, उचित भिन्न होती है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन होती है बस। तो इसमें देखो, ऊपर वाली गिनती छोटी नीचे वाली बड़ी है, तो क्या है, ये उचित भिन्न है। इसको अगर प्रतिशत में आप बदलोगे, 100 से मल्टीपल करोगे, तो इसका उत्तर आएगा 50%। मैंने अभी अभी बताया था, जब हम किसी भी अनुचित भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो हमेशा उसका उत्तर 100% से ज़्यादा आएगा। बस अगला बढ़ते हैं, ये भी एक उचित भिन्न है, क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको अगर परसेंटेज में चेंजिंग करोगे बच्चा लोग, तो 100 से क्या आएगा, उत्तर इसका कम ही आएगा, और प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुणा करोगे, तो इसका उत्तर कितना आएगा, 5 से काट दो, 5 × 10, 20 × 3 = 60, मतलब 60% आएगा, है ना, कितना आसान मज़ेदार। तो फिर काहे को देर, इन सबको फटाफट करके बता दो जल्दी से। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि ये कौन सी भिन्न है, ये भी तो लग तो उचित है भिन्न रही है, लेकिन अभी ये कट पीट सकता है, तो काट पीट दो, कैलकुलेशन कर लो, 2s तो कटेगा ना, 2 × 4 = 8, तो कौन सी बुराई है, फिर तो उसी रूप में आ रही ना, कर लो फटाफट इनको। ये हो गया आपका प्रतिशत में बदलना, कैसे बदलते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे प्रतिशत अगर लगा है तो कैसे हटाते हैं। देखो ये क्या है, प्रतिशत से भिन्न में बदलना है, अब ये अलग है थोड़ा सा, इसको हम देखेंगे अगली क्लास में, अगली क्लास जरूर देखना, बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक।